नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूक्रेन में रूसी हमलों के बीच भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू जारी है। आज एयर इंडिया की फ्लाइट से 219 भारतीय नागरिकों का रोमानिया से मुंबई रेस्क्यू किया गया। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूर्व सोवियत गणराज्य से भारत की ये पहली फ्लाइट है। भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू के दौरान रोमानिया में भारत के राजदूत राहुल श्रीवास्तव का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो फ्लाइट के अंदर कह रहे हैं कि जब तक आखिरी भारतीय को यहां से रेस्क्यू नहीं कर लेते तब तक हमारा मिशन जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल श्रीवास्तव एंड आई एम योर एम्बेसडर इन रोमानिया। आई नो दैट यू हैव कम थ्रू अ वेरी लॉन्ग एंड आर्डुअस रोड जर्नी, सो द लास्ट थिंग इन माय इज एन अनाउंसमेंट बाय द एम्बेसडर। But before you left, I thought I'd just say hello to you. You are in the last leg of the journey back home, where your relatives, friends and family will be waiting with open arms to welcome you. And while you reach there, they will embrace you, you will embrace them, hug them. But while you do that, when you're back in your homeland, our motherland, you should also remember that you have your friends still who are here. And when you talk to your friends who are still waiting to be evacuated, you should tell them and assure them that the entire government of India team is working day and night, including all the missions here, to evacuate everyone. And our mission is not complete till we have taken the last person from India out of this place. So, a very safe journey to all of you back home. And remember this day, 26th February. So whenever in life you feel difficult or feel that things have become difficult, things are not moving, then remember this day, 26 February, and everything will be fine. On everyone's behalf, I would also like to thank Air India and the crew and the officials. Jai Hind. वहीं रेस्क्यू से पहले एक छात्र ने यूक्रेन में कैसे हालात हैं इसको लेकर वहां का दर्द भी बयां किया। Current situation in Ukraine, we and our parents were very scared about our safety in Ukraine. In the Indian embassy in Ukraine and the Indian embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived in Bucharest, the Indian embassy of Romania is with us from that point till now, and they are taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling, and we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation. And we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back home. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनके रेस्क्यू को लेकर बयान दिया है। कुछ बच्चे जो हैं वो यूक्रेन से भी, आपने कहा था कि उनको कोशिश जारी, किस तरीके की स्थिति है? नहीं, आप सबको जानकारी मिल गई होगी। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ हो। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले, लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर, जहां पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है, लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। हालात सामान्य होने चाहिए, हम लोगों की ख्वाहिश तो यही। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद 24 फरवरी की सुबह से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया, इसलिए निकासी उड़ानें पड़ोसी देशों से संचालित हो रही हैं। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए शनिवार को और उड़ानें संचालित कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।